अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, मज़ेदार और झटपट बनने वाली ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जिसका नाम है मैगी शाक्शुका। इसे बनाना काफ़ी आसान है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। ये हेल्दी ब्रेकफास्ट यानी मैगी शाक्शुका बनाने के लिए एक पैन ले लें और इसमें डालिए तेल, 2 या 3 टेबलस्पून आपकी मर्जी। इसे गर्म कर लेते हैं। तेल गरम हो चुका है, इसमें डालिए एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज। इसे हल्का सा फ्राई कर लें। प्याज का रंग बदलने के बाद इसमें डालिए एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा सॉटे कर लें। हरी मिर्च डालने के बाद इसमें हम थोड़े से वेजेस डाल देते हैं, यानी वेजिटेबल्स। आपके जो भी फेवरेट वेजिटेबल्स हैं आप डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ गाजर। आधे गाजर को छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल दें। आपको ज्यादा पसंद तो ज्यादा डाल सकते हैं। थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक काट के डालिए, यानी कैप्सिकम। थोड़े से मटर, थोड़ा सा स्वीट कॉर्न। इसे सॉटे कर लें। फ्लेम को मीडियम पे रखिए। इसमें हम थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। ज़्यादा मत डालिए, बस थोड़ा सा ही। थोड़ा पानी डालिए ताकि मसाले ना जलें। नेक्स्ट इसमें डालिए 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस। थोड़ा सा पकाइए। नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे मैगी मसाला। क्योंकि मैं यहाँ पर मैगी यूज़ कर रही हूँ, 2 या 3 आपकी मर्जी, 2 मैगी के पैकेट यूज़ कर सकते हैं या 3। उन 2 या 3 मैगी के मैगी मसाला डाल दें। इसे भी भून लें। इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के ही भूनिए, वरना ये मसाला भी जल सकता है। फ्लेम को मीडियम पे ही रखिए। ये तो अच्छे से भून चुका है, इसमें पानी डाल दें। 2 कप जितना डाल सकते हैं आप। 2 मैगी के लिए जितना यूज करते हैं उतना डालिए। थोड़े से धनिया के पत्ते डाल दें। इसे बॉईल होने देते हैं, फ्लेम को हाई पे रख दें। ये अच्छे से बॉईल हो रहा है। नेक्स्ट हमें चाहिए मैगी। यहाँ पर मैं 2 बड़े साइज के मैगी यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो 3 भी यूज कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा तोड़ लें और इसमें डाल दें। फ्लेम को मीडियम पे रख के इसे पका लें अच्छे से। इसे हल्का सा मिक्स कर लें ताकि मैगी और वेजिटेबल्स दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। मैगी तो हमारी रेडी है। नेक्स्ट हम इसमें अंडे डाल देते हैं। मैं 3 अंडे यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो 3, 4 या 5 आपकी मर्जी, जितने चाहे उतने डाल सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा गैप बना के डालिए। फ्लेम को लो पे रख दें और इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए लिड बंद कर दें, 2 से 3 मिनट के लिए। ये तो ऑलमोस्ट रेडी है। इसके ऊपर थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल दें, 2 या 3 चुटकी, और थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। मैगी शाक्शुका हमारा रेडी है, फ्लेम बंद कर दें। अगर आपको अंडे थोड़े से कच्चे पसंद है तो इसे कच्चे ही रहने दें, अगर आपको थोड़े से पके हुए अंडे पसंद है तो इसे और थोड़ी देर पका लें। ये मजेदार मैगी शाक्शुका की रेसिपी आप लोग जरूर ट्राई करें, बहुत बहुत मजे की बनती है और बहुत ज्यादा हेल्दी भी है ये। देखिए, देखने में ही कितनी यम्मी लग रही है। जब आप इसे बना के खाएंगे तब आपको इसके टेस्ट का भी अंदाज़ा हो जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताएं मेरा आज का ये वीडियो यानी मैगी शाक्शुका आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।